मन बुद्धि चित अहंकार मन पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां तीन रजोगुण इंगला पिंगला सुषमना नौ द्वार ये जो शरीर मानव देह बना है इसमें आत्मा रूपी एक तत्व होता है जो परमात्मा का अंश होता है और आत्मा जब तक इस शरीर में रहता है तभी तक ये बुद्धि चित्त ये मन ये इंद्रियां काम करती हैं। जब ये आत्मा परमात्मा का अंश इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो इस शरीर की कोई दशा नहीं रहती। इसलिए प्रेम आत्मा का भोजन है बोलना पड़ेगा। प्रेम क्या है? जिस प्रकार शरीर को आप भोजन देते हो शक्ति मिलती है शरीर काम करता है उसी प्रकार भक्तों प्रेम जो है वो आत्मा का भोजन है। प्रेम परमात्मा द्वारा आत्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा को परमात्मा से और परमात्मा को आत्मा के पास पहुंच जाता है बोलना पड़ेगा। प्रेम ही परमात्मा का रूप है और प्रेम ही जगमगाती धूप है। अब आप सोच लीजिए प्रेम क्या है? प्रेम आत्मा का भोजन है। जिसके जीवन में प्रेम है वो जीवन है और जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो चलती फिरती लाश है। शायद मैं अपने शब्दों में प्रेम को परिभाषित ना कर सकूं क्योंकि शब्दों में प्रेम परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आज ब्रजवासियों की प्रेम की कथा सुनाकर कुछ कहानियां सुनाकर कुछ भक्तों के भगवान के प्रति जो अनंत प्रेम किया उन भावों को सुनाकर शायद आपको भी प्रेम हो जाए। और परमात्मा को अगर आप पा सकते हो तो केवल प्रेम से पा सकते हो। करती थी प्रेम माँ भगवान से भगवान की प्रतिमा से। कैसे पाओगे परमात्मा को? कैसा प्रेम हो? किस तरह प्रेम हो? कैसे तुम प्रेम करो? शादी हुई ध्यान से सुन उसका विवाह हुआ कुछ समय बाद पति चल बसा बोलना पड़े। एक पुत्र था वो भी चला गया और वो माँ अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन उस नगर में कोई संत आया। उसने जान लिया था भगवान जो तेरी मर्जी, ये जो अकेलापन मुझे मिला है मेरे ही कर्मों का कोई ना कोई किया हुआ कर्म मेरे आगे आया है, लेकिन प्रभु जीने का कोई सहारा तो हो, कोई आस तो हो, किसी के सहारे दिन तो कटे और बात भी अच्छी है। तो भगवान की कृपा हुई उस गांव में एक संत को भेज दिया। संत के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। माँ ने प्रार्थना की तो वो लड्डू गोपाल संत ने माँ को दे दिए और कहा इसको आप बेटे की तरह ख्याल रखना, इसको बेटे की तरह प्यार करना। संत की बात मानकर माँ ने उस लड्डू गोपाल को रखा, जीने का सहारा मान लिया, उसको अपना सब कुछ मान लिया, छोटा सा बेटा मान लिया, अपना लड्डू गोपाल मान लिया और उसी के साथ आराम से प्रेम से रहने लगी। इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी, एक मिनट भी अपने से दूर ना रखे बोलना पड़ेगा। ये प्रेम प्रेम जब होता है ना तो प्रेमी किसी को किसी से भी प्रेम होता है। अगर आपको पैसे से प्रेम है तो दिन में 100 बार आप पैसों को ही देखोगे बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम दिल से होता है।
लाख कोशिश करना, जिससे प्रेम अगर तुम हजार कोशिश करना, कई बार कोशिश करना, चाहकर भी उसके भाव को उसको तुम दिल से नहीं निकाल सकते। ऐसी महात्मा की बात उसके मन में फिट बैठ गई कि बस उसी के प्रेम में वो माई डूब गई। नहलाए धुलाए, भोजन करवाए, वस्त्र पहनाए, भोजन बनाए और उसी के प्रेम में दिन रात सब कुछ मानकर सारे गांव में बात फैल गई। तो गांव के कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने सोचा ये माँ जी कुछ ज्यादा ही प्रेम इस लड्डू गोपाल से करती है। तो दो चार बच्चों ने उस बूढ़ी माँ के पास जाके कहा, बूढ़ी माँ गांव में एक शेर आया है और वो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेके जा रहा है, तू अपने बच्चे का ख्याल रखना। बोलना पड़ेगा प्रेम। देखिए बच्चों ने बहका दिया, बूढ़ी माँ ने बात मान ली और तेरा लड्डू गोपाल तेरा बच्चा तो है ही सुंदर, कहीं उस बाघ की नजर पड़ी ले गया तो देख लेना, अब हमने तो बता दिया। क्यों? क्योंकि तुम अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हो। तो उस बुढ़िया ने पता है क्या किया, दहलीज पर बैठ गई, खाना पीना छोड़ दिया, एक मिनट भी वो दहलीज से नहीं उठी, कहीं मैं उठ जाऊं और वो शेर आ जाए मेरे बच्चे को उठा कर ना ले जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दिन हो गए, ढंग से सोई भी नहीं कि कहीं मेरी आंखें ना लग जाए, मुझे नींद ना जाए और कहीं वो शेर मेरे लड्डू गोपाल को उठा के ना ले जाए। चार दिन जब हो गए तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। बोलना पड़ेगा भगवान रोने लगे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? अरे राधे कोई इतना भी प्रेम कर सकता है? अरे वो बूढ़ी माँ चार दिन हो गए ना खाती है ना पीती है और मेरी तरफ ध्यान है कि कहीं मैं सो ना जाऊं, आंखें ना लग जाए, मेरे को कुछ हो ना जाए। राधे कोई इतना भी प्रेम कर सकता है? बालक का रूप बनाकर भगवान आए। बूढ़ी माँ वो शेर चला गया, वो शेर को पकड़ लिया शिकारियों ने, अब तू ऐसा कर खड़ी हो जा और कुछ खा पी ले। तो बूढ़ी माँ कहती, तू मुझे बहका मत, तू मुझे बहका मत, मैं एक मिनट भी जब तक देख ना लूं उस पकड़े हुए शेर को पिंजरे में बंद, तब तक मैं बात नहीं मान सकती, क्योंकि मैं अपने लल्ला के प्रति कोई भी चांस नहीं ले सकती। हैरान है भगवान, अरे मेरी माँ ये तो बता तू उठेगी कैसे, क्या प्रमाण दूं तू कुछ खा ले? बूढ़ी माँ कहती है, तू मुझे यही प्रमाण दे, अगर तू कुछ कर सकता है तो ऐसा कर कि मेरे लल्ला को कुछ ना हो, कोई ऐसा प्रबंध कर कि मेरे लल्ला का बाल बाका ना हो, मेरे लड्डू गोपाल का कोई बाल भी बाका ना कर सके। तो भगवान कहते हैं, मेरी माँ मैं ऐसा प्रबंध करूंगा, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले चलूंगा, तेरे लाल को तो क्या तेरे को भी कभी कुछ नहीं होगा। बोलना पड़ेगा प्रेम अनकहे शब्दों का संसार है जिसे सिर्फ दिल ही समझता है। ऐसे दिल में बात बैठी माँ के कि उसी ने उसी को अपना बेटा मान लिया, भगवान को बेटा, तो ये मोए नाते अनेक, ये सोदा मैया के घर पुत्र ही तो बन के आए हैं। ब्रजवासियों के तो ब्रजवासी तो उसे नंद बाबा का बच्चा ही तो समझते हैं, इसलिए भगवान से तू कोई नाता बना या किसी नाते में तू उस रिश्ते को ऐसा प्रेम कर भगवान का अंश देखकर, किया ना जाने प्यार कभी वो प्यार की बातें, क्या जाने छोटी सी वस्तु प्यारे की प्राणन से भी प्यारी लागे, प्रीतम बसे जिस देश में प्यारी वाकी पून है और प्रेम छटा उपजे बिना ये भाव समझे कौन है, किया ना जाने प्यार कभी वो प्यार की बातें, क्या जाने।
और तुम प्यार पाना चाहते हो तो प्यार करना सीखिए, प्यार लेना चाहते हो तो प्यार देना सीखिए। लेकिन तुम्हारा प्रेम पाना है, अपना बनाना है, लेकिन प्रेम देना है और किसी का हो जाना है। प्रेम तुम्हारे हृदय में आएगा तो समझ लेना परमात्मा का वास होने लगा है।